नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज योगी है। मैं लुकचुप ऐप का प्रमोटर हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि लुकचुप ऐप में हम अपनी प्रोफाइल को 100% कैसे अपडेट करें। तो चलिए वो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम इसके लिए लुकचुप ऐप को ओपन कर लेंगे। लुकचुप ऐप ओपन होने के बाद हमको ये जो साइड में तीन लाइन दिखाई दे रही है उस पर टैप करना है। एंड उसके बाद हमको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमें अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपकी अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली है पहले ही, तो मैं आपको बताते चलूँगा कि पहले आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप जर्नल में आ जाइए। जर्नल में आपका ईमेल आईडी होगा, जैसे मेरा है 9300161519@lookchup.com। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देखिए मैंने भर चुकी है 1997/5/17। उसके बाद आपका जेंडर आएगा, मेल। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको भरना है। सेकंड ऑप्शन, आपके अकाउंट में आ जाना है। अकाउंट में आपको भरना है फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका भरना है लास्ट नेम। उसके बाद आपको कुछ अपने बारे में भरना है, जैसे मैंने अपने बारे में भरा है, ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग। ठीक है, कोशिश करने यानी रोने से अच्छा है कि कोशिश की जाए। थर्ड ऑप्शन प्राइवेसी। प्राइवेसी में हम जो भी अपने ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर ग्रीटिंग्स बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो ऐप में डालते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें क्या रहता है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स या फिर ग्रीटिंग कोई भी ना देखे, तो उसमें ये ऑप्शन रहता है, जैसे वू कैन सी योर नंबर, या फिर अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स कौन देख सकता है कौन नहीं दे सकता। यहाँ पर मैंने एवरीवन कर रखा है, कहीं जगह कुछ नो कर रखा है, जैसे वू कैन सी योर मोबाइल नंबर एवरीवन, वू कैन सी माय रिज्यूम एवरीवन, वू कैन मैसेज मी एवरीवन, वू कैन सी माय फ्रेंड्स एवरीवन, वू कैन पोस्ट माय टाइमलाइन एवरीवन, वू कैन सी माय बर्थडे एवरीवन, सेंड यूज़र अ नोटिफिकेशन व्हेन आई विजिट देयर प्रोफाइल। इसमें मैंने नो कर रखा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे इसमें कर सकते हैं। स्टेटस में मैंने ऑनलाइन कर रखा है, शेयर माय लोकेशन में नो कर रखा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा मेरी लोकेशन शेयर हो। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों पासवर्ड। पासवर्ड में हमें अपना करेंट पासवर्ड डालना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है जो हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में हमको कन्फर्म पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड बनाया है वही दोबारा इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको इनेबल करना है कि आपकी कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर सारी कर रखी हैं, जैसे समवन लाइक माय पोस्ट तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर कोई मुझे कमेंट करेगा मेरी पोस्ट पर तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर मेरी कोई पोस्ट शेयर करेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर मुझे कोई फॉलो करेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर मेरी पोस्ट को या पेज को कोई लाइक करेगा तो भी मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर मेरी पोस्ट या प्रोफाइल पर कोई विजिट करेगा तो भी मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। इस प्रकार से इसमें सारे नोटिफिकेशन के ऑप्शन ऑन है। चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि आपको पासवर्ड किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड डालना है, जैसे मेरा करंट पासवर्ड मैं डालता हूँ अनुज योगी 13000। ओके, इसके बाद मुझे अपना न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालना है मुझे। उसके बाद सेव करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों पहले से ही अपडेट कर चुका हूँ, तो इसीलिए कह रहा है प्लीज़ इंटर कन्फर्म पासवर्ड। मैं इसे दोबारा से डालता हूँ। ये देखिए ये नहीं लेगा, क्योंकि मैं इसमें अपना पासवर्ड पहले से ही चेंज कर चुका हूँ, लेकिन जब आप अपना कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे, नया का बनाएंगे, तो आपका बन जाएगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर जाकर, चैनल का नाम है बॉबी धाकड़। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।